नेक्सन वीजा कंसल्टेंट यूकी स्टडी वीजा अप्लाई नाउ गेट 2 ईयर वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीट यूर कोर्स नो कंसोलिडेशन चार्जेस नो एप्लीकेशन फीस एड्रेस राम गोपाल एस्टेट विशन शाहरुख कॉलोनी पानीपत कॉन्टैक्ट नंबर 9094200484। अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Facebook पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। हम निफा के लिए आए हैं। निफा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं को पूरे देश में अग्रसर कर रही है, नेकी के लिए, पुण्य के लिए, अच्छे अच्छे कामों की तरफ अग्रसर कर रही है। आज समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना ये नहीं पता, किसी को फुर्सतें नहीं है, चार चार मोबाइल हैं जेब में लेकिन पता नहीं इसका क्या यूज़ करना है। बस क्योंकि इसके पास भी है इसलिए मेरे भी पास है, इसने भी लिए इसलिए मैं भी लूँ, आईफोन लेना है बस ये नहीं पता उसके फीचर क्या क्या हैं। तो धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। तो ये जो हमारी परंपराओं की नगरी है, हमारा भारत देश, हमारा हरियाणा, हरियाणा में संत बहुत हुए हैं, ज्ञानी बहुत हुए हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर और आश्रम बहुत हैं, ठीक है। ये पांडवों ने, मतलब जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, सबसे बड़ा गीता का ज्ञान हमारा इसी धरती से निकला है। मैं आपको इस धरती पर की कुछ इस तरह की विशेषताएं बताता हूं कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान ऐसे मिला है, निशुल्क, फीस नहीं लगती थी, ठीक है। मतलब द्रोणाचार्य ने भी यहाँ पर ऐसी ऐसी शिक्षाएं बांटी बिना दक्षिणा लिए, यहाँ नहीं ली उन्होंने, लक्षणा हस्तिनापुर के पास जाके ली उन्होंने कि चल अंगूठा दे दे। तो मैं आपको बताता हूँ ये धरती जो है वो बड़ी पावन धरती है और निशुल्क शिक्षा मिली, निशुल्क हमें जीवन शैली मिली, कैसे जीना है, तमीज़ कैसे जीन, बड़ों का आदर कैसे करें, उस नगरी में आज हम आए हैं। कैसा इंडिया होना चाहिए, कैसे क्या सोचते हैं? भारत ऐसा होना चाहिए जैसे वैदिक काल में था बड़े जी, बड़ों का सब सम्मान भी था, छोटों को प्यार भी था और दुलार भी था और भारत हमारा दिव्य था, पूरा विश्व जो है भारत की ओर लखाता था, आज भी लखा रहा है। लेकिन अभी क्या भरमा रहे हैं सब, क्योंकि हम जैसे हमारी हल्दी ले गए वो पेटेंट करा ली अमेरिका ने, उनके पास दिमाग है तो वो पेटेंट करा लेते हैं, वहाँ कानून को भी नियम में माना जाता है, और हमारी योग ले गए, नीम ले गए, ये सब हैं हमारी संपत्ति, लेकिन बन उनकी गई। पर आपको सर्टिफिकेट उनका चाहिए, अब योग सिखाने के लिए भी अलायंस योग वहीं से आता है। मंदिर का जो मुद्दा अभी सॉल्व किया है सर, साहब साहब बहुत ही, देखिए जो भी हो रहा है भारत में अब ऐसा हो रहा है जिसकी परिकल्पना की थी जब आज़ाद हुआ था भारत, और ये मुद्दे तो कम से कम 500 साल से अटका रखे थे जी, पहले मुगलों ने अटकाए, फिर ब्रिटिशर्स ने अटकाए, अब परमात्मन की ऐसी दृष्टि हुई कि जो जो किसी से कभी ना हुआ हो वो अब हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि गद्दी पर एक ऐसा मुखिया बैठा हुआ है
जो परमात्मा ने भेजा है कि जा तुझे सिद्ध करके भेजूंगा, एनलाइटेंड सोल जिसका नाम है नरों में इंद्र के समान नरेंद्र मोदी। अभी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, क्या प्रोजेक्ट? हम लोग अभी अपनी नई एल्बम पर काम कर रहे हैं जी, जिसका नाम है थम जा। क्या है सर? थम जा वगर ना दम थम जावे, या तो तू थम जा नहीं तो हमारी सांसें तो थम ही रही हैं, ऐसा वाला है। देखो साहेब, जग में अगर नाम हुआ ना इंसान हुआ तो क्या, दुनिया में अगर नौजवान को आपने संभाल लिया तो साहेब ये देश संभल जाएगा। नौजवानों को जिंदगी के नशे में आप इतना डुबा दीजिए कि बाकी के नशे उनको करने की जरूरत ना पड़े। हम उनको ख्वाब बड़े बड़े दिखा रहे हैं, इसमें दोष हमारा है। नौजवान पैदा नहीं होता नशीला, नौजवान प्यारा होता है, भगवान की एकदम उसमें एक आत्मा होती है बच्चे में। लेकिन ये बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं किशोरावस्था तक आते आते, क्योंकि हम ख्वाब उन्हें इतने बड़े बड़े दिखा रहे हैं, चांद छू लो आ जाए छू लो, ऐसे नहीं चलेगा काम। बड़ों का कार्य है कि थोड़ा निम्मा निम्मा करके, मध्यम मध्यम करके उनको सींच सींचो पौधों की तरह, कि ऐ मेरे युवाओं वैल्यूज़ को ज़्यादा मानो, अपनी संस्कारों को थोड़ा, वैल्यूज़ को, अपनी ज़िंदगी को, अपने हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी। वरना साहब दुनिया की सारी दौलत रखी रह जाती है अगर शरीर काम का ना हो, और नशे जो हैं वो शरीर तोड़ देते हैं। उस वक़्त ज़रूर आपको ललक लगती है, तड़प उठती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो गारत होती है, और ज़िंदगी आपकी गारत होती है तो परिवार तबाह हो जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता ही सबसे बड़ी बात है। और निफा जो है, निफा अवेयरनेस के कार्यक्रम काफ़ी कर रही है, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बधाई है। अरे आ रहा है बड़े भैया, आ रहा है, आप देखो प्रारंभ हो गया, कितनी अटकी हुई थी, लोग बोले ये नहीं हो सकता भाई साहब, अब ये जम्मू कश्मीर का तो होगा ही नहीं, बोलते थे कि नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, लेकिन सबको कैसे चुप बिठा दिया, बिना हथियार के जो मारे वो है ये सरकार, और इस सरकार को हम करते हैं बारंबार नमस्कार। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत, एएसएम आरू लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ, डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट, 10% कैश बैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर, हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।